Hello everyone, welcome again to the online platform of Shri Vedant Academy. आज के इस लेक्चर में जो हमारी सीरीज चल रही है इंडियन ज्योग्राफी के लिए टारगेट 24 अप्रैल को कर उसका सेकंड लेक्चर है, जिसमें इंडिया की फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब हम बात करते हैं फिजियोग्राफी वर्ड की, जैसा कि आपको स्लाइड पे वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ इंडिया, तो फिजियोग्राफी शब्द का मतलब है इट डील्स विद द फिजिकल फीचर्स प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ इंडियन ज्योग्राफिकल लैंडमार्क्स, लाइक हिमालयाज जो नॉर्थ में प्रेजेंट है, उसके जस्ट साउथ में आपको कहीं ना कहीं नॉर्दर्न प्लेन्स मिलते होंगे, या फिर शायद आप उसे इंडो गैंजेटिक प्लेन के नाम से जानते होंगे। उसके जस्ट नीचे है ग्रेट इंडियन प्लेट्यू, शायद पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से सुना होगा। उसके जस्ट साइड में कोस्टल प्लेन्स एंड द रेस्ट इज आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडियन ओशन। All these particular physical features combines to give birth to the physiographic division of India. और ये जो physiographic division है, ये with the time being evolved हुआ है। अब evolution word मैंने यहाँ पर क्यों use कर लिया? क्योंकि India जो है, ऐसा कहा जाता है कि initially it is a part of ancient Gondwana land. अगर basically present day मैं उसे relate करूँ, तो Gondwana land मतलब अफ्रीका। अफ्रीका के राइट हैंड साइड डायरेक्शंस की अगर मैं बात करूं, तो सेंट्रल ईस्ट लोकेशन में कहीं एक छोटा सा कॉन्टिनेंटल प्लेट जुड़ा हुआ था, जिसका नाम हमने दिया इंडियन प्लेट। दैट इंडियन प्लेट स्टार्ट ड्रिफ्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, और जब वो ड्रिफ्ट हो रही थी, तो उसी ड्रिफ्टिंग के दौरान बीच में जो ओशनिक बेड था वो भी फोल्ड हुआ, और इस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लैंडमार्क जो इनिशियल अफ्रीका के पास जो था, वहां पर जो हो रहा होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आए, उसकी वजह से ये सारे जो 5-6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स मैंने अभी बताए, उनका फॉर्मेशन हुआ। तो यही फिजियोग्राफिक डिविजन्स आज हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद द ऑनलाइन अकेडमी श्री वेदांत। चलो यहां पर देखो, फिजियोग्राफिक डिविजन, फिजियोग्राफी वर्ड का मतलब ही क्या होता है? तो फिजियोग्राफी बेसिकली ये एक लैंडफॉर्म का हिस्सा होता है। व्हाई वी आर यूजिंग वर्ड लैंडफॉर्म? लैंडफॉर्म दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, लैंडफॉर्म, लैंडमास मतलब रॉक्स या लिथोस्फियर, फॉर्म्स मतलब द स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब इस रॉक्स पर कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हुआ है, उसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लैंडफॉर्म्स कहते हैं, और ये लैंडफॉर्म्स जो हैं, वही कंबाइंड होके किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल फीचर्स को जन्म दे। जैसे एक लैंडफॉर्म है क्रस्टल फोल्डिंग, ये फोल्डिंग दो प्रकार की होती है, लाइक एंटी क्लाइन एंड सिन क्लाइन। कैसी? एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन। बेसिकली उसका मतलब है जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ जाती है, तो बीच वाला जो लैंडमास होगा ये फोल्ड होना स्टार्ट होता है, अपवर्ड फोल्डिंग और डाउनवर्ड फोल्डिंग। तो जिसमें अपवर्ड फोल्डिंग है इज कॉल्ड एंटीक्लाइन फोल्डिंग, और जो डाउनवर्ड फोल्डिंग होती है उसे कहते हैं सिनक्लाइन फोल्डिंग। ये अपने आप में फोल्डिंग है, जिसकी वजह से दो, एक एलिवेटेड लैंडमार्क बना और एक डी एलिवेटेड एरिया बना। एलिवेटेड लैंडमार्क जब कभी भी फोल्ड होके एक्सटेंड हो जाता है अप टू द हाइट ऑफ 900 मीटर और अबव, तो उस एलिवेटेड लैंडमार्क को हम नाम दे देते हैं क्या? माउंटेन्स। तो यहां पर पहली फिजियोग्राफिक डिविजन इंडिया की अगर हम बात करें कि इंडियन फिजियोग्राफी इज वॉट, इट इज नथिंग बट इट इज कैरेक्टराइज विद द फीचर or the landform present at the surface of the earth or the geography of India. They evolved with time being. तो ये tectonic history के साथ साथ, समय के साथ ये physiography India की evolved हुई है, which further divided into four classifications. Basically आपको बहुत सारी जगहों पर ये 6 या 7 classification भी दिखेंगे, पर mainly हम 4 classifications मानते हैं। कौन-कौन से? Please ध्यान देना। Number 1, peninsular block. अब पेनिनसुलर ब्लॉक सबसे पहले इसलिए लिखा है क्योंकि ओरिजिनली इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड और गोंडवाना प्लेट्यू ही कॉन्टिनेंट था। तो सबसे इनिशियल फिजियोग्राफिक डिवीजन अगर इंडिया की कोई आई है, तो वो है पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया। इसलिए एक हो गया पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया। दूसरा, जब इंडिया नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट होके आया, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। नेक्स्ट,
क्योंकि इंडिया की लोकेशन जो है वो अभी यूरेशियन प्लेट से आके अटैच हो गई, और जैसे ही एंटीक्लाइन फोल्डिंग हुई होगी उसके पैरेलली एक सिंक्लाइन फोल्डिंग थी, एंड दिस पर्टिकुलर सिंक्लाइन फोल्डिंग फिल्ड विद लॉट्स ऑफ सेडिमेंट्स बोरोड बाय रिवर्स ऑफ हिमालय. तो विद द टाइम दिस सिंक्लाइन्स गेट फिल्ड अप एंड कन्वर्टेड इनटू प्लेन्स, जिन्हें हमने नाम दे दिया इंडो गैंगेटिक प्लेन्स. तो ये हमारा तीसरा फिजियोग्राफिक डिविजन. नेक्स्ट इज द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया. क्योंकि इंडिया का सदर्न स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नजर आता है, विच इज कवर्ड बाय वाटर बॉडी फ्रॉम थ्री साइड. दैट्स व्हाई द लैंडमास कंसीडर्ड इज पेनिनसुलर प्लेट्यू. वाई सो? क्योंकि ये ज्योग्राफी प्लेट्यू है, और जो भी कोई लैंडमास तीन साइड से पानी से कवर होता है उसे हम पेनिनसुला कहते हैं. तो ये हो गया पेनिनसुला प्लेट्यू. इसी के साइड में दो आइलैंड ग्रुप है, एक लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप इन अरेबियन सी रीजन एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप इन बे ऑफ बंगाल. तो बेसिकली इंडिया की फिजियोग्राफी इवॉल्व विद द टाइम ड्यू टू नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम इट्स होमलैंड टू न्यू होमलैंड, ऐसा कह सकते हैं. इनिशियल होमलैंड कौन सा था? अफ्रीका या गोंडवाना लैंड. न्यू होमलैंड कौन सा हो गया? यूरेशियन प्लेट. क्लियर? अब आगे हम देखते हैं. प्लीज ये देखो, इनिशियल अगर मैं बात करूं तो इंडिया का होम जो है वो कौन है? अफ्रीका. अफ्रीका ना बोलते हुए हम बोल सकते हैं कौन है? गोंडवाना. ये रहा गोंडवाना लैंडमास. इस गोंडवाना लैंडमास में सम वॉट यहां पर अटैच है इंडिया. दिस इज वॉट इंडिया इज. इनिशियली दिस इंडिया स्टार्ट ड्रिफ्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड्स तैथिस, और यहां पर कहीं होगा यूरेशियन प्लेट. अभी हमें यूरेशियन प्लेट नजर नहीं आ रहा है, अभी सिर्फ हमें इंडिया दिखाई दे रहा है इन गोंडवाना, और गोंडवाना से ये इंडिया ड्रिफ्ट हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट. जब ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा होगा तो गारंटेड ये जो तैथिस बेड है इसको प्लीज फील करके देखना, कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है. दिस इज इंडिया ड्रिफ्टिंग इन दिस डायरेक्शन. इंडिया यहां पर क्या था? तैथिस सी, एंड दिस इज यूरोप प्लस एशिया, मतलब यूरेशियन प्लेट. तो इंडिया कहां जा रहा है? यहां पर. इसको और थोड़ा सा 3D में बनाए तो कोई भी कॉन्टिनेंट्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. जब हम ओशनिक बेड पे जाते हैं तो दिस इज ओशन, अगेन यहां पर कहीं आ रहा होगा कॉन्टिनेंट्स. ये ओशन, इंडिया ड्रिफ्टिंग इन दिस डायरेक्शन. दिस इज इंडिया. अब इंडिया किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा है? ये अगर हमने डायरेक्शन मान ली नॉर्थ ईस्ट, तो बीच में कौन आ रहा होगा? तैथिस. ये मैंने मेंशन कर दिया, तैथिसी. क्या होगा? तैथिस का जो बेड है वो कंप्रेस होना शुरू होगा. उस कंप्रेशन के कारण दिस पर्टिकुलर बेड स्टार्ट फोल्डिंग. विद द टाइम बीइंग फोल्डिंग होते होते ये जो हाइट है किसकी? फोल्ड रॉक्स या फिर बेड की क्या होगी? एलिवेट. और इट मे रीचेस अप टू द सरफेस लेवल ऑफ वॉटर, देन इट कैन बी कन्वर्टेड इन टू कॉन्टिनेंटल लैंडमास, या फिर हम कह सकते हैं आइलैंड, या फिर जब हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज. ऐसा ही हुआ. इसका मतलब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ड्रिफ्ट हो रहा है, देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट बिफोर रीचिंग टू यूरोप प्लस एशिया. मतलब बिफोर रीचिंग टू यूरेशियन प्लेट्स इंडिया किससे पास आउट हो रहा है? तैथिस से. और वो तैथिस का बेड जो है स्टार्ट फोल्डिंग, ड्यू टू विच इंडिया का ये जो क्राउन है जहां पर अभी आपको प्लेन्स दिख रहे होंगे, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू फोल्ड माउंटेन नेम्ड एज हिमालयस. क्लियर? प्लीज ध्यान देना, अगली स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा. ये देखो इंडिया क्या हो रहा है? ड्रिफ्ट होता चला जा रहा है. इनिशियली मैंने कहा कि बिफोर स्टार्ट ड्रिफ्टिंग इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना. गोंडवाना क्या है? प्लेट्यू है. तो ये जो सेक्शन मूव करके जा रहा है ये पहले से ही क्या है?
ग्रेट इंडियन प्लेट्यू, पर इसके नॉर्थ में अब जो सेक्शन बनने जाएगा ये देखो, दिस इज फोल्ड माउंटेन फॉर्म्ड ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ टेथिस सी, या टेथिस वेट, दैट्स व्हाई इट नेम्ड एज ट्रांस हिमालयस। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, प्लीज ध्यान देना, कोई भी डिस्कस नहीं करेगा इस चीज को। टेथिस जो है वो क्या है, ओशियन, ओशियनिक बेड पे हमेशा क्या प्रेजेंट होंगे, मरीन रिसोर्स। ये देखो क्या रिप्रेजेंट होंगे, मरीन रिसोर्स। मरीन रिसोर्स जब कभी भी डेड एंड डिके होते हैं किसी कॉन्टिनेंटल लैंडमास में, तो दे गेट कन्वर्टेड इनटू ऑयल या फिर फॉसिल्स। ये देखो हिमालयाज, यहां वाले अगर आप इंडिया का मैप इमेजिन कर पाओ तो कुछ दिस लाइक, ये देखना प्लीज, समवॉट कुछ, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर फॉर्म ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ टेथिस। तो गारंटीड इट शुड बी रिच इन मिनरल रिसोर्स, कौन से, लाइक ऑयल एंड फॉसिल। देखो जम्मू कश्मीर इज द सोर्स ऑफ पेट्रोलियम ऑयल, दूसरा इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ कोल एंथ्रासाइट। इंडिया में एक ही जगह पर मिलता है बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, और यहां पर एज सच अभी हमें कोई ओशन नहीं दिखता है। जनरली हम कंसिडर करते हैं कि मिनरल ऑयल या फॉसिल्स जो है वो हमेशा ओशनिक बेड्स या रिफ्ट वाले एरियाज में मिलते हैं, यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर इसका पुराना समय अगर हम उठा के देखें तो हिमालय फॉर्म्ड ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ इंडियन प्लेट्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ड्यू टू विच द टेथिस बेड गेट फोल्डेड एंड ऑल द रिसोर्सेज और मरीन लाइफ प्रेजेंट एट द बेड ऑफ द टेथिस गेट सबमर्ज अंडर द लैंडमास एंड कन्वर्टेड इनटू ऑयल। क्लियर आउट हो गया, इसका मतलब इस हिसाब से इंडिया का पहला फिजियोग्राफिक डिविजन फॉर्म हो रहा है, दैट इज हिमालयस। तो अभी हमें में आया कि इंडिया का इनिशियल फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो तो है ही, कौन सा है, प्लेट्यू। दूसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन इन द नॉर्थ फॉर्म्ड एज हिमालयस, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, इस सिनेरियो को और थोड़ा सा देख लीजिए प्लीज, क्या हो रहा है, ये प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कैन बी कंसिडर्ड एज इंडियन प्लेट, बीच में है टेथिस, ये यूरेशियन प्लेट्स, मान लो वो इधर मूव करिए या फिर स्टिल भी है तो भी चलेगा। विद द टाइम बीइंग दिस प्लेट स्टार्ट ड्रिफ्टिंग ड्यू टू विच टेथिस बेड गेट फोल्डेड एंड कन्वर्टेड इनटू माउंटेन्स। और अगर आप एक और चीज ध्यान से देखना प्लीज, इस फोल्डिंग को ध्यान से देखिए तो आपको लग रहा होगा एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन। एंटीक्लाइन का मतलब होता है एलिवेशन, सिंक्लाइन का मतलब होता है डिप्रेशन। इसका मतलब जब इंडिया ऐसा ड्रिफ्ट होके इस डायरेक्शन में आया होगा तो यहां पर जो फोल्डिंग हो रही है, देखो ये हो गया सिंक्लाइन एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन, मतलब यहां देयर शुड बी अ फॉर्मेशन ऑफ वैली यानी कि डिप्रेशन। तो द रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हिमालयन माउंटेन कैरी लॉट्स ऑफ सेडिमेंट, और जैसे ही वो नीचे आए होंगे तो उन्हें एक नेचुरल गैप मिल गया, एक नेचुरल डिप्रेशन मिल गया, जिस डिप्रेशन में उन्हें अपना पूरा का पूरा सेडिमेंट डिपॉजिट कर दिया। With the time being, that particular geosyncline completely get filled up and converted into new plains formed due to the deposition of sediment borrowed by Himalayan rivers. That's why the plains are considered as plains formed due to Himalayan rivers. Himalayan rivers do hai ek Indus, एक गंगा, पर इन प्लेन्स की तरफ इंडस नहीं आती है, इसलिए इन प्लेन्स को हमने सिर्फ और सिर्फ नाम दे दिया गेंजेस प्लेन या गेंजेटिक प्लेन्स।
बट सम ऑफ इट्स लोअर पोर्शन ऑल्सो ड्रेन्ड बाय अ रिवर नेम्ड ब्रह्मपुत्र. तो दीज प्लेन्स कंबाइंडली नेम्ड एज गैंजेटिक या ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. इज इट क्लियर? यानी कि हमने तीन फिजियोग्राफिक डिवीजन देखे. सबसे पहला पेनिनसुलर प्लेटी, जो ओरिजिनेशन के समय से ही है उसके पास. दूसरा नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो फॉर्मड हुए ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग, बट दिस पर्टिकुलर ड्रिफ्टिंग ऑल्सो गिव बर्थ थ्रू अ जियोसिंक्लाइन, एंड द एलिवेटेड पोर्शन ऑफ हिमालय ऑल्सो गिव बर्थ टू लॉट्स ऑफ रिवर्स, एंड दीज रिवर्स कैरी सेडिमेंट्स. दीज सेडिमेंट्स filled that geosyncline and converted into plain structure. तो तीन physiographic divisions यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं. शायद आपको clear होगा. कोई भी doubt है तो आप पूछ सकते हैं online academy के platform पर. Clear? अब now ये रहा हमारा physiography. It can be further divided into northern mountains, जो हमें समझ में आए, great Indian plains, जो हमें clear हुए, peninsular plateau. ये क्या है वो ध्यान से देखना प्लीज. दिस इज नाउ प्रेजेंट सिनेरियो में, दिस इज आर इंडिया. दिस इज इंडिया. ड्रिफ्ट हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ड्यू टू विच देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस. दिस इज द प्लेन रीजन ऑफ हिमालयस, या फिर जियोसिंक्लाइन विच गेट फिल्ड अप बाय सेडिमेंट बोरोड बाय रिवर्स. तो दीज आर द नॉर्दर्न प्लेन्स. जो सेक्शन अब बचा हुआ है ये, दिस इज पेनिनसुलर. अब इसे प्लेट्यू तक तो हमें क्लियर था कि दिस इज प्लेट्यू, बट व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज पेनिनसुलर प्लेट्यू, बिकॉज दिस पर्टिकुलर लैंडमास इज शेप्ड ऑफ ट्राइंगल. देखो ट्राइंगुलर शेप है, और कोई भी लैंडमास जो ट्राइंगुलर शेप का हो और कवर्ड हो बाय वॉटर, देखो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन. तो एनी ऑफ द लैंडमास कवर्ड बाय वॉटर बॉडी फ्रॉम थ्री साइड इज कंसिडर्ड एज पेनिनसुला. और ये लैंडमास है क्या? प्लेट्यू. दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज पेनिनसुलर प्लेट्यू. क्लियर? अब आता है मेन टर्म के इंडिया के पास आइलैंड ग्रुप कहां से आए, क्योंकि इंडिया के पास इनिशियली भी अगर हम देखें तो आइलैंड ग्रुप्स नहीं थे. But we know that this particular India drifting from Gondwana land towards the Eurasian plate in the direction of northeast. Please pay attention on the word northeast. Ye dekho, northeast. At the time of collision, please pay attention on the word, at the time of collision, जब वो Eurasian plus Asian plate से टकराया होगा, तब इसकी northward velocity, कौन सी velocity? Northward velocity डिक्रीज हुई होगी. इमेजिन करके देखो, कोई भी व्हीकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. देखो ये गाड़ी जा रही है इस डायरेक्शन में, जैसे वो यहां जा रही होगी एकदम से ब्रेक लगेंगे तो नीचे वाला हिस्सा जो है वो उठ जाएगा, नीचे से एलिवेट होना शुरू होगा. इस वजह से इंडिया स्लोप्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, इंडिया स्लोप्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट. मतलब सारी नदियां नॉर्थवर्ड बहने की कोशिश करती है. एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहां से चंबल ने जन्म लिया और चंबल नॉर्थ में बही और बाद में ईस्ट में बह रही है. यहां से सोन ने जन्म लिया और सोन इस डायरेक्शन में बह रही है. यहां से तुंगभद्रा का जन्म हुआ और वो अगेन नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में बह रही है. इसका मतलब इंडिया का स्लोप किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स द नॉर्थ है. ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया किस डायरेक्शन में जा रहा था? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था. बट इंडिया के इसी साथ साथ देखो ये वेलोसिटी भी थी. कौन सी? ईस्ट. इसका मतलब जब इंडिया ईस्ट में ड्रिफ्ट हो रहा होगा तो ये जो कंट्रीज हैं क्या उनके साथ कॉलिजन करेगा? और गारंटेड है अगर यहां पर कॉलिजन हो रहा होगा तो अगेन देखो कुछ इस प्रकार से होगा. ये लैंडमास, दिस इज इंडिया ड्रिफ्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट. इंडिया के इधर देखें तो कौन सा ओशन है? बे ऑफ बंगाल. अगेन बे ऑफ बंगाल को सिमिलर केस लेके देख लो. देखो लैंडमास इंडिया का, ओशनिक बेड ऑफ बे ऑफ
बंगाल और ये इंडोनेशिया और आगे वाले रीजन. तो दिस बे ऑफ बंगाल स्टार्ट अपलिफ्टिंग ड्यू टू द कंप्रेशन फोर्सेस अप्लाइड बाय कन्वर्जेंट प्लेट टेक्टोनिक गिव बर्थ टू न्यू आइलैंड ग्रुप दैट इज अंडमान एंड. ऐसा कहा भी जाता है कि अंडमान एंड निकोबार्स आर द आइलैंड ग्रुप, दे आर द एक्सटेंशंस ऑफ हिमालयस. कौन से हिमालयस? जो नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंट है. क्यों? क्योंकि ईस्टर्न हिमालयस आल्सो फॉर्म्ड ड्यू टू द कॉलिजन इन बिटवीन इंडियन प्लेट्स और यहां पर जो ऑस्ट्रेलियन सॉरी एशियन प्लेट्स के जो भी एक्सटेंशन होंगे उनके कंप्रेशन से क्या फॉर्मेशन हुआ, यहां पर हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ. और अगेन इन्हीं हिमालयस का एक्सटेंशन ईस्ट टू पेनिनसुलर इंडिया किस वजह से हुआ, ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ओशनिक बेड. क्लियर? इट मीन्स फिजियोग्राफिक डिविजन्स आर नथिंग बट दीज आर मेजर स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंडमास फॉर्म्ड ड्यू टू सम ऑफ द एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस अप्लाइड बाय एनी ऑफ द ज्योग्राफी. इंडियन फिजियोग्राफिक डिविजन्स डिवाइडेड इंटू फोर ग्रुप्स मेनली. द पेनिनसुलर प्लेट्यू, इट इज पेनिनसुला बिकॉज इट इज कवर्ड बाय वॉटर बॉडीज फ्रॉम थ्री साइड. The northern mountains, it formed due to the folding of Tethys bed when India drift in the direction of northeast towards Eurasian plate. Next is coastal plains, when India drifted in the direction of northeast and become a part of South Asia, it covered by water from three sides in its southern region. That's why the रीजन द लैंडमास अलोंग विद दिस सी कंसिडर्ड एज कोस्ट और उन्हीं की वजह से वहां पर कुछ डिपोजिशन हुआ तो हमने मान लिया कोस्टल प्लेन्स. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज आइलैंड ग्रुप्स, दे फॉर्म्ड ड्यू टू द अगेन फोल्डिंग ऑफ रॉक्स ओवर द बे ऑफ बंगाल. अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर बे ऑफ बंगाल में जो अंडमान एंड निकोबार्स फॉर्म हुए वो तो फोल्ड माउंटेन्स का हिस्सा हो गए, वाई लक्षद्वीप? तो लक्षद्वीप आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कोरल्स बिकॉज इंडियन ओशन ऑल्सो होम फॉर लॉट्स ऑफ कोरल्स. कोरल्स एक मरीन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसे हिंदी में मूंगा कहते हैं. सलानिटी, टर्बिडिटी, टेम्परेचर या किसी भी पर्टिकुलर ओशनिक फैक्टर में होने वाले बदलाव की वजह से सबसे पहले अगर कोई चीज की किसी जीव की डेथ होती है तो वो होते हैं कोरल्स. तो कोरल समय के साथ डेथ होते चले गए एंड दे स्टार्ट डिपॉजिटिंग एट द बेड ऑफ दिस पर्टिकुलर अरेबियन सी ड्यू टू विच दे गिव बर्थ टू अ बैरियर रीजन नेम्ड एज लक्षद्वीप क्योंकि एरिया बाद में बड़ा हो गया. क्लियर आउट हुआ? तो दिस डील्स विद द फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ इंडिया जो यहां इस मैप में आपके सामने नजर आ रही होगी. कैसी? नंबर वन हिमालयास, नंबर टू नॉर्दर्न प्लेन्स, थ्री द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू, नेक्स्ट कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड ग्रुप्स. तो दिस इज नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री एंड नंबर फोर. और कुछ बुक्स में दीज आर नंबर फाइव एंड द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एज नंबर सिक्स. इसको मैंने अलग इसलिए नहीं माना बिकॉज इनिशियली इट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स जो पंजाब में है बट ड्यू टू डिसअपीयरेंस ऑफ सम रिवर्स लाइक लूनी इंडस वैली सिविलाइजेशन. अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होने का मेन रीजन था प्लेट टेक्टोनिक जिसमें ट्रांसफॉर्म प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ और ट्रांसफॉर्म प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट में दो नदियां डिसअपीयर्स हो गई थी. शायद एक वर्ड से आप वाकिफ हो गए, सप्त सैंधव प्रदेश. ये सात नदियों की पुण्य भूमि थी. बाद में ड्यू टू द सबमर्जेंस ऑफ टू रिवर्स इट कन्वर्टेड इन टू पंजाब. And these disappearance of rivers give birth to a new geographical land that is desert because of the scarcity of water. तो यहां पर बन गया एक desert. Clear? That's it. अब सर हमें यह सब तो समझ में आ गया कि इंडिया की फिजियोग्राफिक डिविजन जो है वो सात फिजिकल फीचर या छह फिजिकल फीचर से बनी हुई है. But what about rifts? ये आपको कहीं नहीं मिलेगा. प्लीज इसको ध्यान से देखना प्लीज, क्योंकि वेदांत एकेडमी ने मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है. वहां पर मैं अपनी पूरा जो नॉलेज है वो डाइवर्सिफाइड करके बता सकता हूं. ये आपको कहीं नहीं जानने को मिलेगा. प्लीज
फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट्स, तो रिफ्ट का मतलब होता है जमीन में एक छोटा सा फॉल्ट क्रिएट हो जाना, इज कॉल्ड रिफ्ट। रिफ्ट फॉल्ट का डाइवर्स फॉर्म है, बड़ा फॉर्म जो होता है उसे हम रिफ्ट कह देते हैं। इट मेनली फॉर्मड ड्यू टू अगेन सेम नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग ऑफ इंडिया। इंडिया जब इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा था तो बीच में दो तीन जगह पर फ्रैक्चर्स क्रिएट हुए, उन पर्टिकुलर फ्रैक्चर्स को रिफ्ट के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला है नर्मदा रिफ्ट, दूसरा है दामोदर रिफ्ट, उसके जस्ट साइड में एक और गैप, एक और फॉल्ट है मिलता है, दैट इज मालदा फॉल्ट। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि दिस नर्मदा रिफ्ट डिवाइड इंडिया इंटू टू, नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया, या फिर डिवाइड द एंटायर पेनिनसुलर प्लेट्यू इंटू टू, दैट इज सेंट्रल हाइलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। दामोदर रिफ्ट ऑल्सो अगेन डिवाइडेड प्लेट्यू सेक्शन इंटू टू, दैट इज ईस्टर्न प्लेट्यू एंड डेक्कन प्लेट्यू और पेनिनसुलर प्लेट्यू। ईस्टर्न प्लेट्यूज को सेपरेट करने के लिए एक जो फॉल्ट हम वहां पर मेंशन करते हैं, दैट इज दामोदर रिफ्ट। इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो जब हम बात करते हैं इंडिया की कि इंडिया ड्रिफ्ट हो रहा था नॉर्थवर्ड एंड ईस्टवर्ड, नॉर्थ में तो वो जाके टकराया किसे, यूरोप से प्लस एशिया से, पर ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ ओशियंस था। तो कंपैरेटिवली टू दी लैंडमास इन ओशियंस इसकी जो ड्रिफ्टिंग थी वो कुछ ज्यादा समय के लिए हुई, रिलेटिवली ज्यादा। इमेजिन करके देखो ना, यहां कोई लैंडमास है, लैंडमास से कोई चीज टकराएगी तो जल्दी से रुक जाएगी। ओशनिक बॉडीज जो है वहां पर क्रस्टल फोल्डिंग्स कम हो रही है, क्रस्ट का थिकनेस कम है तो फोल्डिंग ज्यादा समय के लिए हो रही है, तो ये ज्यादा समय के लिए रिलेटिवली कुछ ज्यादा लंबे समय तक इधर ड्रिफ्ट हुआ। उस ड्रिफ्टिंग की वजह से क्या हुआ, नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया के बीच में एक रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गए। प्लीज इस चीज को ध्यान से देखो, रिलेटिव मोशन, ये देखो दिस इज इंडिया और यहां पर ये रिलेटिव मोशन, क्योंकि इंडिया किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, तो ये कुछ ऐसा ड्रिफ्टिंग हो रही है। इस ड्रिफ्टिंग के कारण आपको फील हो रहा होगा यहां पर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू रिफ्ट, दैट इज नर्मदा। दिस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑल्सो गेट ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, देयरफॉर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मालदा एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दामोदर। दामोदर रिफ्ट जो है वो मेन लैंडमास में हुआ है, विच कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ वेजिटेशन, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर रीजन इज रिच इन कोल। अगेन दिस ऑकर्ड ऑन लैंडमास, देयर इज अ लॉट्स ऑफ वेजिटेशन ऑल्सो रिच इन कोल। तो रिफ्ट का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि रिफ्ट वैली एरियाज जो है दे आर रिच इन लॉट्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, और वो जो मालदा गैप है वो एक अगेन नेचुरल, जैसे सिंक्लाइन बना था वैसा एक नेचुरल गैप क्रिएट हो जाता है जिसमें नदियां बहुत सारा सेडिमेंट्स कैरी करके लेके आती हैं और बनाती हैं एक डेल्टा, दैट इज लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, सुंदरबन। क्लियर? तो ओवरऑल यहां पर आपको समझ में आ गया होगा दैट इंडियन फिजियोग्राफी कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ फिजिकल फीचर्स, एंड ऑल दीज पर्टिकुलर फिजिकल फीचर्स इवॉल्व विद टाइम ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ इंडिया। क्लियर? आगे की सीरीज को कंटिन्यू करने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा, प्लीज स्टे ट्यून्ड विद श्री वेदांत एकेडमी। Okay, thank you so much.